आपके आशीर्वाद के साथ हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आप ही की दी हुई शिक्षा हमारी ताकत है। आपका दिया हुआ आशीर्वाद और आपकी अद्भुत सिनेमा यात्रा और आपके दिया हुआ मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद से हम आपके अनुभव की पाठशाला में आपकी फिल्म निर्माण का गुणगान करेंगे। आपके ही दिल के टुकड़े हैं हम, आपका राजकुमार, आरके स्टूडियो। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लास्ट बट नॉट लीस्ट द ग्रेट हैदराबाद, ये सारे लोग मिडिल क्लास हैं। लगता है ये वक्त से ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं और ये देख ही नहीं रहा है, बल्कि सच भी है। अगर ये नहीं भागेंगे तो इनकी कंपनियां कैसे भागेंगी? इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 करोड़ रुपए से शुरू हुई कंपनी आज 500 करोड़ के टर्नओवर के कारण देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी बन गई है। माँ? हाँ, आ रही हूँ। ये लो। ये क्या है माँ? ये खाने के लिए या बेचने के लिए? क्या कहा? ये बेचने के लिए नहीं है, छोटे छोटे बॉक्स में खाकर देखो कितने दुबले पतले हो गए हो तुम। हाँ, अरे इसे दुबला नहीं स्लिम कहते हैं। तुम्हारा खाना खा खा के तो मैं ड्रम हो गया हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा बेटा। अक्सर माँ बाप अपने बेटे का सपना पूरा करते हैं और हमारा बेटा हमारा सपना पूरा कर रहा है। सही कहा ना बेटा? That's my boy. अरे अरे कहीं आपकी नजर ना लग जाए, रुको मैं नजर उतारती हूँ। क्या कर रहे हो? आज तो नमक खत्म, no doubt. बेटा जरा इधर मुड़ो, इसकी नजर, उसकी नजर, गांव वालों की नजर, ऑफिस वालों की नजर, मेरी नजर, तेरे पापा की खतरनाक नजर, सबसे तू बच जाए। थूको। ये सब क्या है माँ? तुम थूको ना बेटा, थूको थूको 3 बार थू। ठीक है, ये सब तो पापा ने किया ना मेरी पढ़ाई के लिए। My son. मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से। मेरा प्यारा बेटा।
चलो पापा आपको स्कूल में ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाता हूँ। बाय माँ। बाय। कॉफी लीजिए। पेपर बंद करने के लिए कहा था, ये उसे बोला नहीं क्या? आपको पेपर पढ़ने की आदत है, इसलिए बेटी ने बंद नहीं किया। लीजिए कॉफी पीजिए। पेपर खरीदने में पैसे खर्च होते हैं, पेपर पढ़ते हुए कॉफी पीने में और खर्च बढ़ता है। ब्याज का खर्च इतना है कि यह सब मुमकिन नहीं है। ठीक है, बेटी उठ गई है क्या? रात को ऑफिस से आने में देर हो गई, अभी तक सोई हुई है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। रात में देर से आई थी? हाँ डैडी, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है? कैसी बात कर रहे हैं, आपकी वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है क्या? तुम्हें मदद करने की उम्र में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सारे परिवार का बोझ मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। डैडी ये मेरी जिंदगी आपकी ही दी हुई है, सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy। ये क्या, अभी तक रेडी नहीं हुई? सॉरी यार, just 2 minutes। और रवि ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन आप क्यों उदास दिख रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंकल अगर बेटी के रूम में आकर पिताजी दुखी हैं तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, और पिताजी के रूम में जाकर बेटी दुखी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन हमारे श्वेता का मन साफ है, वो फैमिली को खुश रखेगी, डोंट वरी। मेरी बेटी लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम्हारे पास तो ऑडी कार है, तुम्हारे तो मजे हैं। रवि हाउ आर यू? शुरू हो गया लव का मेला। आई लव यू रवि। थैंक्स। ए लवर बॉय आगे बढ़ो। हाँ वो मुझे दो। अरे अरे धीरे धीरे, ये देखो हाइट कम नखरे ज्यादा, प्रेतात्मा की तरह लग रही है। रवि वाओ थैंक्स। आई लव यू। थैंक्स। यस। ये क्या सिर्फ चॉकलेट देकर चली गई? ये क्या सॉफ्टवेयर कंपनी है या लवर्स पार्क है? तुम्हारे प्यार का चक्कर क्या है मुझे तो पता नहीं है भाई, लेकिन इस चॉकलेट से मेरा लंच जरूर हो जाएगा। देखो ना, हमने प्यार से दिए हुए चॉकलेट को वो मोटू कैसे भुक्कड़ की तरह खा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें हिम्मत करके पूछना ही होगा कि वो हम में से किसे प्यार करता है। चलो मैं नहीं आऊंगी, आज नहीं तो कल रवि मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेगा, मुझे विश्वास है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, तुम जाओ। अरे एक चॉकलेट तू ही तो खा ले। खाओगे क्या? रहने दो मैं खाता हूं। श्वेता मैं रवि से कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ। तो कर लो, हमसे भी कभी कर लिया करो। तुम लोग यहाँ से जाओगे तभी तो मैं पर्सनल बात कर पाऊंगी ना। ठीक है चलता हूँ। चलो रवि, मैं तुम्हें 2 साल से आई लव यू बोल रही हूँ, लेकिन तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। देता तो हूँ। देते हो सिर्फ थैंक यू बोल के। मेरी जैसी लड़की किसी को भी आई लव यू बोले तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। सिट डाउन यार। वैसे मैं तुम्हारे बारे में कई दिनों से सोच रहा हूँ, एक छोटा सा कंफ्यूजन है तुम्हारे बारे में। What? तुम ये जॉब अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रही हो, अपनी फैमिली के लिए नहीं। और तुम हर हफ्ते शॉपिंग करती हो, लेकिन मैं सिर्फ फेस्टिवल्स में ही करता हूँ। खैर ये सब जाने दो। तुम मल्टीप्लेक्स, मैं सिंगल स्क्रीन। मेकअप करने के बाद तुम परी दिखती हो। अगर तुमने मुझसे शादी की तो मेकअप का खर्चा ना करने के बाद तुम ऐसी दिखोगी। क्या कहा? मेरा ये कहना है कि तुम्हारी सुंदरता से प्यार करने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारी सुंदरता को मेंटेन करने वाला चाहिए। आजकल ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है रवि। अपना फोकस जरा वहाँ शिफ्ट कर लो। छी, ये मोटू। अपनी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए इसकी ऑडी कार में रहो। मेरे लिए बात 3 करोड़ की गाड़ी मेंटेन कर रहा है, तुम्हें तो मेंटेन कर ही लेगा। वाओ, अच्छा मौका है भाई। कोई भी शुभ काम करने से पहले माँ ने कहा था कि मुंह मीठा करना चाहिए, ये डेरी मिल्क तुम्हारे लिए। थैंक यू। इसका काम बन गया। तुमने उस लड़की को उसके साथ क्यों जाने दिया? अरे उसके लिए ब्रेकअप नया नहीं है, और उसके पास बॉयफ्रेंड की कमी नहीं है। उसे टाइम पास के लिए लड़की चाहिए, और उसे मेंटेनेंस के लिए एक बकरा चाहिए। राइट। इमोशनली मैंने उनकी कंपैरिजन मैच कर दी, ज्यादा से ज्यादा इनका अफेयर 2 वीक्स चलेगा। हाँ। अरे भाई भाई, हम दोनों की लव स्टोरी को तुमने उस दिन हल्के में लिया था ना,
यू आर ग्रेट भाई, माई फ्रेंड इज ग्रेट, हम दोनों अपने प्यार का आशियाना बनाएंगे, चलो। ये तो सच में बेवकूफ है। अरे क्या हुआ, चार दिन से सुशांत ने फोन नहीं किया। चलो उसके अड्डे पर मिलते हैं, चलो चलो। माँ क्या हुआ बेटा, मेरी पैंट कहाँ है? हाँ, ओके, देखो ना। कहाँ? दरवाजे के पीछे देखो। मेरी पर्स भी दिखाई नहीं दे रही है। कबाड़ में है। पैसे कहाँ है? कबाड़ में से ले लो ना। सुबह सुबह दिखावा करिए, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। पिताजी भैया को समझाइए ना। अरे सुबह सुबह क्यों कीचड़ में पत्थर मार रही हो, जाओ अंदर बेडरूम में जाकर पढ़ो। माँ नाश्ता दे दो जल्दी। दे दो दे दो, जल्दी से नाश्ता दे दो, देखने के लिए टीवी चालू कर दो, और पीने के लिए चाय कॉफी भी दे देना, और दिन भर आवारागर्दी करने के लिए पॉकेट मनी भी दे देना। आप भी ना चुप रहिए जी। सुनो, हथेली पर 10 रुपया रख दो और शाम तक 100 रुपया कमा कर लाने को बोलो। आपका ही प्रोडक्ट हूँ, बहुत वैल्यू है, शर्म वरम तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नालायक। बड़े साहब किस काम से बाहर जा रहे हैं? प्रॉपर्टी लेके रखिए, देखने तो जाते हो नहीं, इसलिए मैं खुद देखने जा रहा हूँ कि वहाँ काम कैसा चल रहा है। देख रही हो अपनी बदनसीबी, बाप से किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है। खुश नसीब है आप कि मैं कृष्ण प्रसाद फैमिली में पैदा हुआ। सुनो, कुल में कलंक लगाने के लिए ऐसे पागल भी पैदा होते हैं। माँ, पागल को पागल ही पैदा कर सकता है, इस बात को तो कोई टाल नहीं सकता। छी, बस जैसे इस सिगरेट को अपनी मर्जी के हिसाब से फेंक दिया, वैसे ही मुझे भी छोड़ दिया है। सिगरेट और मुझ में कोई फर्क नहीं है। छी, इस घर में पैदा होने से अच्छा था कि मैं गरीब फैमिली में पैदा हो जाता। ए पागल, उठेगा या डालूं पानी? नहीं। आप तो रिक्शा चलाकर मंत्री पद तक पहुंच गए, आपसे इंस्पायर्ड होकर आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। मुझे कॉर्पोरेटर की कुर्सी मिल जाए तो मजा आ जाए गुरुजी। आप पे भरोसा है मुझे। क्या आगे क्या करने का सोचा है? 4 मसाला डोसा खाया है, एक और खाऊंगा और एनर्जी के लिए बूस्ट पीऊंगा। बॉडी बनाने के लिए क्या करोगे ये नहीं पूछ रहा हूँ, जीवन में क्या करने वाले हो ये पूछ रहा हूँ। पिताजी आप चुप रहिए, कल ही तो पढ़ाई पूरी की है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कमाई नहीं की तो सब भूखे मर जाएंगे। भूखे मरने की बात नहीं है, अगर तुम्हें इसी तरह बैठ कर खाने की आदत पड़ गई ना तो तुम जीवन में क्या करोगे इसी बात का डर है मुझे। अरे आप चुप रहिए ना, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लो बेटा पियो। वाह बूस्ट। ये कप है या बाल्टी? नजर मत लगाइए जी, पियो बेटा। हाँ? तेज तिलो तादू लेकर आया था, एक भी नहीं बता, तब खा गया तू? एक किलो काजू लाए थे, एक भी नहीं रखा मेरे लिए, सब खा गया ऐसा बोले। मुफ्त का माल था, गलत तेल लेके आए, खरीद के थोड़ी लाए थे। मुफ्त का माल था वही घर ले आए, पैसे से खरीद कर थोड़ी लाए हो, यही बोल रहा है ये। अरे अरे रुक, अरे बात करनी है तुझसे, रुक। ऑफिस से आते ही दोनों बाप बेटे लड़ते रहते हैं, अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता मुझसे। अरे रुक 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 रुक, क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी कितने किलोमीटर चलाओगे ये बात पता चल जाएगी मुझे। किलोमीटर का वायर ही निकाल दूंगा। अबे देख क्या रहा है, चल निकल, बिना कपड़े के रास्ते पे घूमता है। मुझे देख के ये क्यों हंसा, इतना लेट क्यों हो गया बे? अब चल जल्दी, उनका पीछा कर, जल्दी चल, चलना जल्दी, चल चल फास्ट भगाओ, उनके आगे रुक। क्यों बे, मुझे देख के हंस क्यों रहा था? तुम हो कौन भाई? ये बता हंस क्यों रहा था मुझे देख के? इसने मुझे जोक सुनाया इसके लिए हंस रहा था। ओ, तो तुम दोनों में जोक चल रहा था, मुझे लगा कि हम जैसे खाली लोगों को देखकर हंस रहा था। चल जा। आदमी क्यों बे, सही किया ना। लड़का और लड़की हंस रहे थे, हमने पीछा किया और इसने पूछा क्यों हंस रहे हो? अरे इसे क्या लेना देना था यार। कुछ नहीं, बैठ बैठ बैठ। यार मेरे पापा
हमेशा मुझे अपसेट करते रहते हैं। तो चिंता मत कर, हर कुत्ते के दिन बदलते, डोंट वरी। मतलब मैं क्या तुझे कुत्ता दिखाई देता हूँ? और नहीं तो क्या, कुत्ते का बच्चा तो कुत्ता ही दिखेगा ना। अबे तो तू गया कहाँ से? अरे बैठ जा भाई, दोस्त की दुश्मन है, सबका टाइम बदलता है। यू विल हैव अ गुड डे टू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपकी खुशहाली के लिए आपके माताजी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करके आई हैं, वही प्रसाद लाया हूँ सर। आपकी फैमिली के लिए माताजी ने पूजा अर्चना नहीं की क्या? नहीं सर, आपकी खुशहाली के लिए सर। मतलब हमारी फैमिली की किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मेरे लिए पूजा अर्चना की है, तो मैं जो कुछ हूँ उनकी पूजा की बदौलत हूँ। अगर वो पूजा नहीं करती तो मैं सीएम नहीं बन पाता। ये बताओ कंस्ट्रक्शन का पेमेंट आ गया? 10 करोड़ आया था सर। क्यों, कम क्यों आया? मैंने कमीशन नहीं काटा सर। मैंने कमीशन के बारे में पूछा? नहीं सर। तो कमीशन के बारे में क्यों बता रहे हो? लगता है तुम कमीशन लेते हो। मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ सर। ज्यादा उछला तो पूछ ही काट दूंगा। आज का प्रोग्राम क्या है ये बताओ। अभी 2 मिनट में ट्रू टेक कंपनी के चेयरमैन नागराज आपसे मिलेंगे सर। वो टाइम पर आएगा ना? वो टाइम के पंक्चुअल है सर। मेरा साला योगी जी। हेलो, बैठिए। आपकी वजह से आज हमारे देश का जो नाम है ना, रोशन हो गया है। थैंक यू सर। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए तो हमारा देश और विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मैं आपको सस्ती जमीन दिलवाऊंगा और मेरे साले के साथ मिलकर आप काम कीजिए। लेकिन इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। आपके पास पैसा है और मेरे साले के साथ मैं हूँ। देखिए, मेरी कंपनी में बहुत लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो। पूरे देश को मुझ पर भरोसा है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग आत्महत्या कर लेंगे क्या? इन सब बातों से मत डरो और मुझ पर भरोसा रखो। जमीन खरीद लो और इसमें इन्वेस्ट कर लो। अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ है तो मैं तैयार हूँ। ए संतोष कुमार, नागराज साहब को ले जाओ और लैंड के बारे में इन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। पता नहीं ये किसके ख्याल में खोया है। सर आपका फोन बज रहा है सर। सॉरी सर, ये रिंगटोन जानबूझकर नहीं रखी है, इस सिचुएशन में बच गया सर। कैसी हो श्वेता, अच्छी हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल। तुम आती हो तो पुराने दिन याद आ जाते हैं, पैसों की भी याद आ जाती है, और जब उन खर्चों की याद आती है तो बहुत दुख होता है मुझे। इस बार एक तारीख आया तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, श्वेता को पैसों से और आपको चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। तुम डायलॉग मत मारो श्वेता, तुम जो इंटरेस्ट लाई हो दो। 1 2 3 4 तुम दोनों लवर हो क्या? नहीं नहीं। हाँ ना अंकल, श्वेता से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जितना प्यार मैं मेरी माँ से करता हूँ। भगवान ने मुझे बहन तो नहीं दी, पर उसका कोई गम नहीं, मैं खुश हूँ अंकल। श्वेता को मैंने अच्छी फ्रेंड बना लिया। हम चलते हैं अंकल। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलो। बेटी आज लेट हो गई। आज सैलरी मिली थी पापा और सारे पैसे इंटरेस्ट देने में चले गए। तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मामा हाँ, ये लो इस महीने के घर खर्च के लिए। क्या हुआ पापा? दुनिया का हर बाप अपने बच्चों को दौलत देता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ दे रहा हूं। चिंता मत कीजिए, आपने पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था ना, अगर उसमें लॉस हो गया तो इसमें आपकी क्या गलती है पापा? प्लीज पापा, उदास मत होइए, प्लीज प्लीज रोइए मत, मेरी बात नहीं मानेंगे। आदमी के अंदर भी इंसानियत नहीं है। यस, एक भी कमेंट नहीं मिला, पब्लिक के पास टाइम ही नहीं है कमेंट्स करने का। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, इस सोशल इशू को फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर के अपलोड कर रहा हूँ, इससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी, लेकिन अभी तक एक भी कमेंट नहीं मिला, कैसे लोग हैं? 108 पे कॉल करोगे तो कम से कम एम्बुलेंस आ जाएगी, सोशल मीडिया में डालोगे तो तब तक ये ऊपर पहुंच जाएगा। या यू आर राइट। हेलो हेलो 108
आओ। अर्जेंटली जाना है, जल्दी से देखो। प्लीज कम इन द लाइन। यू नो आई एम हु, मिनिस्टर का आदमी हूँ, जल्दी से देखो जाना है मुझे। तुम चाहे मिनिस्टर के आदमी हो, तुम्हें लाइन में ही आना पड़ेगा। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। ऐसे बात कर रही हो मुझसे? ऐसे बात कर रही हो? आई एम सीइंग योर एंड। हाँ, आई एम सीइंग योर। तुम क्यों पुतले की तरह खड़ी हो? चलो, आई एम सीइंग योर एंड। आई एम। उसे समझाने के चक्कर में मुझसे क्यों टकरा रहे हो? आई एम ऑल्सो सीइंग योर एंड। चलो। कौन है? अरे चलो चुपचाप। चलो बेटा। आई एम सीइंग ऑल योर एंड। स्टूपिड मैन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। यहाँ तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे जानते हो जो मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हो? तुम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हो या फ्लर्ट करने आए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। मेरी माँ को रात से स्टमक पेन है। क्यों? वो खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती? पहले तो कुछ भी खा लेते हो और फिर डॉक्टर के पास आकर उसकी जान खाते हो। तंग आ गई हूँ मैं। One minute, please. Yes, I got it. तुम्हारी हाइट, वेट, एज कैलकुलेट किया तो पक्का तुम्हें बीपी होगा। बीपी? इस हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स हैं आपके बीपी के ट्रीटमेंट के लिए। आप उनसे मिलिए, मैं अपनी माँ के लिए दूसरे डॉक्टर से मिलता हूँ। चलो माँ। I'm very sorry. कोई रिकमेंडेशन से मेरे पास आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वही गुस्सा मैंने आप पर उतार दिया। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा दर्द छोड़ो बेटा, बीपी है इसलिए अपना चेकअप करवा लो। मेरा बेटा मुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। आपके बीपी की वजह से मेरी माँ ठीक हो गई। I'm sorry. It's okay. What? I'm just coming. पापा? क्या हुआ पापा? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बेटी। अब कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ। आपको ध्यान रखना चाहिए था ना सिस्टर। मैडम जरा फाइल देना। किसने एडमिट किया? मैडम कोई रवि नाम का लड़का था, उन्होंने एडमिट कराया इन्हें। ओह, उसका नंबर दो। इज दिस रवि? हाँ बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे पापा ठीक होते ही मैं आपसे जरूर मिलूंगी। कोई बात नहीं, मैं आके मिलता हूँ। हाँ इट्स ओके। ओके थैंक यू सिस्टर। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके मैम। दवाई टाइम पर दे देना। ओके मैम। मेरे रूम में पेशेंट्स हैं, मैं अभी आती हूँ। पापा आई विल बी बैक। हाँ ओके। प्लीज टेक केयर सिस्टर। ओके ध्यान रखना। सर इस रूम में। थैंक यू। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैंने ही 108 को कॉल करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बैठो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है अंकल। अब आप कैसे हो? अब ठीक हूँ बेटा। सॉरी सर, उस वक्त माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। आजकल दुनिया में हर कोई बिजी ही तो रहता है, फिर भी तुमने एम्बुलेंस को टाइम पर बुलाकर मुझे बचा लिया। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं सर। आओ बेटी। पापा कैसे हैं? मेरी बेटी सरोज बहुत गुस्से वाली है ये। हाँ मैंने गुस्सा देख भी लिया है। अब यू आर रवि? यस। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स फाइन। रुको। ये क्या है? डोसा 45 रुपए, 3 एक डोसा, बूस्ट भी। माँ। हाँ। खाने का बिल दिया है, अभी बताता हूँ। क्या हुआ बेटा? अब से मैं इस मनुष्य घर में नहीं रहूंगा। होटल में एक खाना खाओगे तो जीएसटी लगा के 500 का बिल आएगा। ये क्या बकवास है? तो मैं क्या करूँ? तुम्हें नौकरी करने के लिए कहा तो किया नहीं, मेरे ऑफिस पे काम करने को कहा वो भी नहीं किया। कहाँ से आएंगे खर्चे? सच में मेरे बाप ही हो ना? बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन हूँ मैं। तो मेरी जगह मशीन पैदा करनी चाहिए थी। सॉरी, ऊपर वाले ने फैसिलिटी नहीं दी। तेरे साथ पढ़ाई करने वाले उस रवि को अच्छी नौकरी मिल गई है और तुझे ठेंगे। उसका बाप समझदार है इसलिए नौकरी मिली। तो मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ जो इतना कुछ कमाया मैंने? मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, लोमड़ी वाली समझदारी की नहीं। ए, ये मेरी चालाकी और समझदारी है? जाने दीजिए ना जी। क्या जाने दूं? कम से कम मेरे ऊपर गुस्सा करके नौकरी तो करेगा। वो सही कह के गया है। क्या सही कहा? अब लोमड़ी से भी चालाक हो। पहले कान पर से पेंसिल निकालो, पुरानी बातें याद आती है। पुराना टूटा फूटा सामान रद्दी पेपर बेचो। नहीं नहीं भाई, हम टेप रिकॉर्डर थोड़ी है कि बटन दबाया तो गाना शुरू हो जाएगा। फंड की बात है, 10 तारीख तक तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ हाय अंकल। हाँ सीनू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। पापा मम्मी ठीक है ना? वो दोनों भी ठीक है अंकल। चाय कॉफी या नाश्ता कुछ करोगे? नहीं अंकल, अभी खा के आया हूँ, थैंक यू। उसे भी कुछ काम धंधा करने के लिए कहो बेटा। ऑलरेडी काम की तैयारी कर रहे हैं अंकल। तुम तैयारी कर रहे हो, वो तो बिस्तर में ही पड़ा है। जाता हूँ अंकल। हाँ ठीक है, जाओ।
अबे पंडित पुत्र परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी बात सही साबित हुई, पता है कैसे? तुम हमेशा उन्हें गलत कहते हो, लेकिन वो तो अच्छे इंसान है, इतना इज्जतदार, इतना प्यार करने वाला बाप। आखिर मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे इस बात का दुख होता है। सच कह रहा हूँ भाई। तूने तो सिर्फ एक एंगल देखा है, चल दूसरा एंगल दिखाता हूँ। चल सच में। अरे तू आना। एक गधे से तो परेशान ही था, दूसरा गधा भी घर पे आ गया। उसके बाप को बोलना पड़ेगा, जरा उस पर ध्यान रखे, आवारों की तरह भटकते रहता है। तुम क्या सोच रही हो, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। सुबह सुबह घर पे आ गया नालायक। नालायक? मैंने चाय कॉफी के लिए क्या पूछ दिया, खुद को रुस्तम समझने लगा, कहने लगा थैंक यू अंकल, नहीं चाहिए। कॉफी के लिए पूछा? मैंने पूछा पिताजी कैसे हैं, बोला बहुत खुश हैं। अरे वो खुश रहे हैं या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहे? मुझे क्या यार। मैंने कहा मेरे बेटे को भी सुधारो, तो बोल रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अरे वो खुद ही आवारा है तो दूसरे को क्या सुधारेगा, निकम्मा कहीं का। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम नहीं सुधरती हो, तभी तो बिगड़ रहा है ना। देख लिया ना, दिख तो रहा है। किसे डांट रहे हैं? चल चल यार, चल यहाँ से। लगे आया है। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हाय हाय हेलो। ए बिल लेके आना। अबे बिल उससे क्यों पूछ रहा है, इससे पूछना। अरे मुझे क्या पता यार। वो क्या है ना, वो जीएसटी के बिना बोलेगा, हम जीएसटी मिला के दे देंगे। होटल में ही खाना खाओगे तो जीएसटी लगा के 500 का बिल आएगा। हम लोगों ने बीटेक पढ़ के सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया, तुमने तो शेयर मार्केट फाइनेंस की पढ़ाई से एमबीए किया है, तो शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज होगा, और शिनु के पास तो पैसा भी है, तुम दोनों मिलकर कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? रॉयल फैमिली बिल्डअप करते हैं मेरे पिताजी, चाय के लिए पैसे नहीं देते। अगर शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करूंगा ना तो भौंकते रहेंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। सुबह में नाश्ता करूं तो बिल देता है, शेयर बिजनेस की बात की तो मेरी माँ को तलाक दे देगा वो कंजूस। तुम ट्राई करोगे तो पता चलेगा। तुम्हें मेरे बाप के बारे में कुछ पता नहीं है शायद। चलो तुम्हें कहानी बताता हूँ। जब उस वक्त मेरी माँ की नई नई शादी हुई थी, तब वो यहाँ बहुत सपने लेकर आई थी। अभी अभी तो हमने खाना खाया है और तुम दूध लेकर के आ गई, इसकी दही जमा दो, कल खाने के साथ खाएंगे, चलो जाओ। बस इतना सुनते ही वो डर गई। चिरंजीवी की तरह रिक्शा चलाकर बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ मैं। रिक्शा वाला चिरंजीवी नहीं था, वो बालकृष्ण था। चिरंजीवी नहीं, बालकृष्ण नहीं, चिरंजीवी नहीं, बालकृष्ण। अरे नहीं, चिरंजीवी नहीं, बालकृष्ण। चिरंजीवी बालकृष्ण। झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। अगर मैं सही हुआ तो मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे बाप ने ट्रंक में से उसे पोस्टर दिखाया। देख लिया ना। सॉरी जी। सॉरी वाली कुछ नहीं है, तुम हार गई हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जो कहोगे वो करूँ। सामने वाले बद्री प्रसाद का घर देख रही हो ना, तुम्हें वहाँ बर्तन माँज के मुझे खिलाना पड़ेगा। और इस तरह मेरे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी सर्वनाश कर दी। कहानी और भी है आगे, बताता हूँ। क्या हुआ, नौकरानी अच्छी तरह से काम कर रही है ना? ठीक काम कर रही है। क्या खाक अच्छे से काम कर रही है? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? अरे ये काम करने का सिर्फ नाटक कर रही है, अच्छे से काम करा। बहन जी अच्छी तरह धो देना, बहन जी अच्छी तरह धो देना, ऐसे बोलेगा तो कर चुकी, ऐसे प्यार से काम नहीं होता। ठीक से काम कर, ऐसे बोलना पड़ता है तब होता है काम। बोलो अच्छी तरह काम करो। ऐसा घटिया है मेरा बाप। यार एक बार ट्राई करके तो देख। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shweta, happy birthday to you.
में तो यहां रखा था, कहां गया यार? शिट, कहां पर है? वो तो टॉयलेट में होगी, लेकिन गाड़ी की चाबी मेरे पास है। पापा दो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। पापा बाइक के बिना बाहर जाने में मुश्किल होती, पता है ना? मैंने अपने जीवन में रिक्शा चलाकर इतना कुछ कमाया है। चलो एक बात करते हैं, अगर मैं रिक्शा चलाकर व्यापार करूं तो इतने पैसे कमा सकता हूं, क्या गारंटी है इसकी? एक काम करो, ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दो और एक नई रिक्शा खरीद कर फिर से पैसे कमाओ। अपनी बतवात बंद कर और तल से चुपचाप आपे ताके काम सीख ले। तमदा बकवास बंद कर और कल से चुपचाप ऑफिस आके काम सीख ले। मैं खुद का काम करूंगा लेकिन तुम्हारे ऑफिस में कदम नहीं रख दूंगा। मैं खुद का काम करूंगा लेकिन तुम्हारे ऑफिस में कदम नहीं रखूंगा। तो तब नहीं चलेगा, तो तू पुराना है तू ही काम चलाना चलेगा। तम दे वो सब नहीं चलेगा, जो पुराना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, एक साल के अंदर तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, एक साल में आपके मुंह पे मार दूंगा। 10 ताक 10 ताक चाहिए, एक फूटी तो नहीं दूंगा। 10 लाख चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, अपनी फालतू की बातें बंद करो, आओ बैठ कर बातें करते हैं। आओ बैठो। सुनो जी, आप भी ना, आप चाहते हो कि वो फालतू में घूमने की जगह कुछ ना कुछ काम करे, तो उसे अपना काम करने दीजिए ना। 10 लाख रुपए देने से आप कंगाल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्यार से मांग रहा है और तुम भी इसके लिए कह रही हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी पर मैं इसे 10 लाख दे दूंगा। सच में मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले? ये क्या है जी, बेटे को पैसे देने के लिए पेपर पर लिखवा लोगे क्या? कुछ भी हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है। अबे हंस क्यों रहा है? इस पेपर पर लिख लेने से मैं क्या कर लूंगा, यही सोच रहा है ना? बेटा तुम्हें सच्चाई तब पता चलेगी जब तू पिंजरे में फंसे चूहे और जाल में फंसे कुत्ते की तरह तड़पेगा। पढ़ो। 1 साल के अंदर अगर आपको पैसे नहीं दिए तो मेरी माँ मतलब तुम्हारी पत्नी और तुम मतलब मेरे बाप उसे डिवोर्स देकर खुद की दूसरी शादी कर लेंगे और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हे भगवान, अब मेरा स्वभाव तेरे हाथ में है बेटा। हाँ बेटा, 40 साल से इसके शक्ल देख के बोर हो गया हूँ, अब तुम्हारे ही हाथों में है मेरी दूसरी शादी। चलो चुपचाप साइन कर दो। करता हूँ ना डैडी। करो। आ गया नालायक। क्यों बेटा, सुशांत चाहिए? अंकल नमस्ते। यहाँ आओ। आ रहा हूँ अंकल। तुम ठीक हो ना? वो चोर का बेटा सीनू है ना, उसकी वजह से ही मेरा बेटा भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पिताजी तो ठीक है ना? पिताजी ठीक हो या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, मुझे उससे क्या लेना देना है, उसने ऐसा नालायक बेटा पैदा किया है। क्यों बेटा, चाय कॉफी नाश्ता कुछ चाहिए क्या? एक मिनट। चाय कॉफी नाश्ता के लिए पूछा तो खुद को रुस्तम समझने लगा, जैसे मैं सच में उसे दे देता। मेरे बेटे को भी थोड़ा सुधार दो बेटा, वो तो खुद ही एक नंबर का आवारा है, वो मेरे बेटे को क्या सुधारेगा। खा अंकल प्लीज, इतनी मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है। सुशांत कहाँ है ये बताइए। उस कमरे में है, जाओ बेटा। अबे सुशांत, उठ बे। अबे तेरी तो सी दैट, ले लो। ए, इतना पैसा और लो, बिजनेस करने के लिए मेरे बाप ने पैसे दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू। वैसे ये कितना पैसा है? यस, 10 लाख रुपए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शेयर्स दे दो। जरा डिसेंटली यार। प्लीज अंदर जाइए। हाँ? ओके, आई हेल्प यू सर। हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है। इसकी एक प्रोसेस है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। हाँ। तो ओपन करो, देर किस बात की? प्लीज कम सर। चलो यार। भी नहीं यार। साइन कर, सब ओके ना? थैंक यू सर। पैसा मैं दूंगा, काम ये बताएगा, समझ में आ गया ना? इसके लिए आपको 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। ये क्या, यहाँ से चलते हैं। चल। कांग्रेचुलेशन सर, दिस इज योर पासवर्ड। थैंक यू। All the best for your business. Thank you sir. मुझे भी बोल, पैसा तो मेरा है। All the best sir. हाँ, हो गया ना सब? चलो चलते हैं। आजा। ए, सारे shares True Take हैं। क्या करें? खरीद लो। ओके भाई, सारे shares True Take खरीद लो। Done. क्या हुआ? एक मिनट रुक। अरे भाई, सारे shares immediately भेज दो। भेज दो।
बिक गए। 10,000 प्लस है। 10,000? यस। और बहुत करना है। हाँ हाँ, ये जरूरी है क्या? कोई देखेगा तो अंधा समझेगा। चलो। ओ। ये कार मेरी है। Will you join me? Sorry, I'm with my friends. क्यों? हम काम के नहीं है क्या? रोज के 10,000, महीने के 3,00,000 कमाता हूँ मैं। शकल देखी आईने में? इसकी तो हवा निकाल दी। ये राज मैं जानना चाहता हूँ। वो क्या है? घर में अच्छा बेटा बनता है, ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय बनता है, हमारे लिए अच्छा फ्रेंड है और लड़कियों के लिए अच्छा बॉयफ्रेंड भी बन जाता है। ऐसी क्या बात है तेरे में जो मुझ जैसे में नहीं है? करेक्ट। अरे कुछ भी हो, भाई बर्थ सब सही होना चाहिए। तुम तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। डिफेक्ट है क्या है भाई? सही है, वो मेरे बाप की। चलो चलते हैं। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। ये कौन है? सॉरी बॉस। सॉरी क्या होता है बे? अरे बोला ना सॉरी। सॉरी बोले तो? उसका 10,000 कमाता हूँ मैं। 10,000 कमाते हो तो? ए तो चुप रहे। ठीक है यार, ऐसे कमाने वाले से कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या तुझे? नहीं यार, समझा दो इसको, नहीं तो पिटेगा किसी से। समझा दो। जा जा, निकल भाई निकल। तो मजा आया कि नहीं? अरे वो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ पीने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी यार, कुछ कर यार। तुझे दिन में कितनी बार भूख लगी है? कितना खाता है तू? देखा, पूरा का पूरा ग्रुप लेकर आया है। अबे तू टेंशन मत ले, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ए सुशांत, सुशांत भाई, भाई 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 भाई, आप लोगों को इतना गुस्सा आएगा ये मैंने सोचा नहीं था। वैसे खाते क्या हो जो इतना मेंटेन हो? इंसान को ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। चाहो तो एक मार लो, वैसे भी मैं बहुत वीक हूँ, और अगर मन नहीं भरा तो और एक मार देना। ये क्या कर रहा है? देख लिया ना, कॉमेडी करने में माहिर है। तेरी तो मेरे सामने ओवर एक्टिंग कर रहा है, देख क्या रहे हो? मारो इसको। सीरियसली भाई, 10,000 कमा लिया तो भाई समझता है अपने आप को? पिटने के बाद हॉस्पिटल का बिल भरना। अरे ये तो धो रहे। ए, कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी से। ए सुशांत, वो तो तेरे बाप की तरह बात कर रहा है। क्या कर लेगा तेरा बाप? बड़ों की बात नहीं मानेगा तो ऐसे ही झेलेगा। इतिहास गवाह है, तुझे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तू तो मेरे बाप की तरह बात करता है बे। एक्शन सीन को खत्म होने को टाइम लगने वाला है, तब तक मैं कुछ खाकर आता हूँ। तू हमेशा खाने की सोचते रहता है। मैंने जानबूझ के तुम्हारे बाप का नाम नहीं लिया। बहुत अच्छा है भाई, खाने दे यार। तेरे दोस्त ने मुझे बहुत मारा। अरे उसने मारा तो उसे मार रहा, मेरा खाना क्यों ले रहा है? ये लो, इसे तुम खा लो। जा। अरे इसके बाप पे मत जाओ यार, वरना बहुत मारेगा। आज तो तुम लोग गए। फाइट वहाँ चल रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा दोस्त बड़ी धुलाई कर रहा है यार। जा भाई जा वहाँ पर। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तू जा रहे? मैं नहीं जाऊँगा। फिर से आ गया? तुम्हारे दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा है। अरे तो वापस उसके पास जाना। हेलो अंकल। ये क्या क्या हुआ? बाइक का एक्सीडेंट हो गया अंकल। सरोज, अब सच बताओ क्या हुआ? अब सॉरी। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तुम लोग ड्रिंक करते हो क्या? मर्द है तो पीना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, और देखो मार भी खानी पड़ती है। अबे तेरी तो। सरोज जरा यहाँ ना। व्हाई? तुम सुनाओ। सुशांत, श्रीनु तुम्हारे पापा की तरह बोल रहा है।
अरे नहीं यार नहीं। अरे मैं तेरी बाप की तरह नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही बोल यार। रुक रुक भागता है। ये सब क्या हो रहा है? It's a top secret. रवि एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कल हॉस्पिटल में फुल टाइम वर्क है। ओके। कल पापा को जरा बैंक ले जाओगे? श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ बेटा। अंकल आपका बैंक में कुछ काम है? बैंक का काम पोस्टपोन हो गया है, सरोज ने तुम्हें बताया नहीं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अंकल क्या हुआ रवि? मेरी 1 लाख पर मंथ सैलरी है। मेरे घर में मेरे माँ और पिताजी हैं। पिताजी एक स्कूल टीचर हैं और 6 मंथ में रिटायर हो जाएंगे। कल ही एक पर्सनल लोन क्लियर कर दिया है और हाँ खुद का घर भी ले लिया है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो रवि? मैं सरोज से प्यार करता हूँ अंकल। ओके कहोगे तो मैं उसे बात कर लूँ। ये बात उसे पता है क्या? अभी तक उसे पता नहीं अंकल। सोचा पहले आपसे बात कर लूँ फिर उससे बात करूंगा। ये तो वो जमाना है जब लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो घर से भाग जाते हैं। इस जमाने में भी तुमने मुझसे इस तरह बात की, इससे लगता है कि तुम एक संस्कारी परिवार के लड़के हो। तुम जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। तुम सरोज से बात करो, वो तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। गुड लक रवि। कहिए आपने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा? सॉफ्टवेयर कंपनी से रियल एस्टेट का क्या लेना देना है सर? सर हमारे लिए रियल एस्टेट बिजनेस करना जरूरी है? जिस बिजनेस के बारे में हम नहीं जानते उसमें कंपनी का कैपिटल डालना जरूरी है क्या? सर इस कंपनी पर हजारों लोगों का जीवन टिका हुआ है सर। कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या जवाब देंगे सर? वी आर वोटिंग अगेंस्ट दिस प्रपोजल। इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते हमें यह प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फोर्स करेंगे तो मैं बैकआउट करता हूँ। प्रसाद जी प्लीज 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 सिट डाउन। एक बात समझ लीजिए, आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। आप लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आपको मंजूर नहीं तो मुझे भी नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सब क्या चल रहा है? सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही हैं सर। पहले मैं भी उनमें से एक था लेकिन फिर देश में नाम कमाया और इस ओहदे पर हूं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। रवि सर, ये बोर्ड मेंबर्स मेरे भरोसे पर आए थे या मैं उनके भरोसे पर आया? वो लोग आपके भरोसे पे आए थे सर। तो सीएम ने जो मांगा है उसे रेडी करो। यस सर। Hey guys, what's happening? Hey bro, क्या बात है? क्या बात है भाई? अच्छा सुनो, एक बात बताऊं क्या? बताओ। इसकी लव स्टोरी? बताओ बताओ। इसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज। घर में मम्मी पापा और ये बहुत खुशी से रहेंगे। पिताजी टीचर हैं जो 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। Thank you teacher. Right now, sit down, keep your phone silent. कल ही लोन क्लियर किया था। एंड रिसेंटली एक बहुत ही बड़े टावर में घर खरीद लिया है। जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की को प्रपोज करना चाहिए और तूने तो उसके बाप को प्रपोज कर दिया। रवि तुमसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। पहले मैं एमएस करना चाहती हूँ, वो कंप्लीट होने तक हमारी दोस्ती ऐसी रही तो हम शादी कर लेंगे। ओके ओके वेरी गुड सुपर यार।
अरे बाप रे, ये कैसा गांव है यार, कचरे का ढेर, इसको कैसे साफ करें यार। ए, चलो ए, 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 अपना दांत साफ रखने का ध्यान रख सकता है, गांव की गंदगी साफ नहीं कर सकता। ए, रोज पेपर में देखता हूँ तुम्हारे जैसे फालतू लोग आकर सफाई करते हैं, तुम आ गए हो ना, चलो सफाई करो, अच्छी तरह करना, ये गांव कचरे का डब्बा ही रहेगा। इतनी गंदगी है। भाग यहाँ से। प्रवीण, ये नई रिंग है क्या? अरे मर गया। अरे भाई क्या हुआ? ये क्या यार, इसने मेरी ऑडी के 3 रिंग तो खा ली, अब चौथी खाने की तैयारी में है। मेरी ऑडी से ज्यादा तो इसके मेंटेनेंस का खर्चा है यार। बाप रे मर गया। ऑडी में घूमने वाले को ऑल्टो में लाकर बिठा दिया इसने, भिखारी बना दिया मुझे। इट्स ओके भाई। है, तुझे नहीं रे। सुन भाई, इस छोटी सी बात के लिए सॉरी बोलकर अपनी दोस्ती की बेइज्जती मत कर। बहुत पका रहा है। सुनो, वो 2 डेरी मिल्क में से एक मुझे देकर अपनी दोस्ती पक्की कर लो ना। आई एम कमिंग बेबी। ये तो कुछ समझता ही नहीं है। एक दिन ये लड़कियों से बहुत दूर चला जाएगा, भगवान ही तभी उसे बचा पाएगा। भाई तूने लास्ट में क्या कहा? लास्ट में मुझे भगवान बचाएगा, ऐसा कहा ना तूने? तू मुझसे कितना प्यार करता है मेरे दोस्त। ए, तू सच में ना? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना ये करता है। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो लकी। मेरे लिए उस डॉक्टर डेरी मिल्क को सेट कर रहा है ना भाई। मर गया। तुम और यहाँ? तुम यहाँ कैसे? थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। एक वीक के बाद हॉस्पिटल लाना, तब ड्रेसिंग करती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर। नाइस। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। थैंक यू। डॉक्टर हम चलते हैं। ए, चलना। ए, अरे भाई कल सुबह हम आ जाएंगे। ए, अब क्यों आएंगे भाई? एक हफ्ते की ट्रीटमेंट है ना। हाँ, एक हफ्ता बीत गया भाई, किसी और ग्राहक को ढूंढ ले। चल चलते हैं, हम चलते हैं डॉक्टर। सुनो प्रवीण, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पापा नई ड्रेस। ये किस लिए? पहनने के लिए। अरे पहनिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? पापा चाहिए ना, पहन कर आइए। चाहिए चाहिए चाहिए। Go! चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। अब किस लिए? ये घाव अभी तक भरा नहीं है। मेरा घाव भर गया भाई, तू अपने लिए जा रहा है, मुझे पता है। चलो अभी। तू उस डॉक्टर पर चक्कर चलाने जा रहा है, मैं नहीं आऊंगा। चलो। तुम आजकल मुझसे दूर क्यों रहते हो? कौन रहता है मैं? सुनो, मेरी ऑडी की 4 रिंग में से एक ही बची है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। अरे ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं रे, ये देख रहा था। सलमान की तरह लगता है, सोनू सूद की तरह हरकतें कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा। ए प्रवीण रुकना, मैं जा रहा हूँ। प्रवीण मैं बात सुन, नहीं आऊंगा। ए प्रवीण मदर एंड सिस्टर कम हियर, योर ब्रदर इज हियर। अरे क्या हुआ, नाच क्यों रहा है? डार्लिंग टेक दिस एंड एंजॉय। थैंक यू भैया। स्वीटहार्ट दिस इज फॉर यू, वेयर इट। ये क्या है जानती हो? इंग्लिश सिगरेट। तुम्हारे पति को बोल दो कि ये मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट है। टेक दिस ऑल्सो, लाइटर। ओह या Come on, my bulbul. Stars बदलते हैं तो ऐसा ही होता है। अब हम हो गए हैं रिच। हाँ।
भूल गए क्या सर? यहाँ देखो देखो, हाथ मिलाओ सर, दोनों हाथ मिलाओ, आओ गले मिलो सर। सॉफ्टवेयर कंपनी से रियल एस्टेट का क्या लेना देना है सर? आप अपने मन से फैसले लेंगे तो हम बोर्ड मेंबर्स की क्या जरूरत है? आपने तो पहले कहा था कि रियल एस्टेट नहीं चाहिए और आप अभी अपनी बात से पलट रहे हैं। चाहत होना अच्छी बात है लेकिन लालच बुरी बात है। आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम रिजाइन कर देंगे। ट्रूटेक हमारे देश की एक बड़ी कंपनी है सर, और आप सब लोग इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप सब एक साथ रिजाइन कर रहे हैं? कंपनी डायरेक्टर से कंसल्ट किए बिना, हमारी ओपिनियन लिए बिना कंपनी के सारे कैपिटल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नागराज। सारे बोर्ड मेंबर्स ने इसका अपोज किया, इसीलिए हमने रिजाइन कर दिया। सर ये एक लिमिटेड कंपनी है, अगर आप सभी ने एक साथ रिजाइन कर दिया तो शेयर होल्डर्स का क्या होगा सर? सर इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है इसके बारे में नहीं सोचा आपने? हमें कंपनी में मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम कंपनी के बारे में क्यों सोचे? और एम्प्लॉयज का क्या होगा सर? अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सी वी हैव ऑलरेडी रिजाइंड एंड नाउ वी आर नो मोर अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। ये क्या है भाई, बड़ी कंपनीज में ऐसे रूमर्स कॉमन है यार। मैं तो ऐसे बहुत देख चुका हूँ। अब ये ऐसा ही रहेगा, दो दिन में स्टेटमेंट रिलीज करेंगे फिर सब कुछ नॉर्मल। इसी कंपनी में तो अपने रवि और श्वेता काम करते हैं, आईएसआई मार्क है ना। हम दोनों एक काम करते हैं, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे। अगर मेरी जजमेंट सही है तो सिर्फ 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई पागल नहीं होगा। है? जब भूखे रहेंगे और भगवान आकर पूछेंगे, बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, मैं एक प्लेट इडली, यही मांगेगा तू? तू क्या मांगेगा, चिकन बिरयानी? मैं तो पूरा का पूरा होटल मांग लूंगा। देख भाई, भगवान तथास्तु बोलकर 10 लाख रुपए दे रहा है तो 5 लाख की बात क्यों करूं? वहां देख, ले लो भाइयों ले लो, बीज खरीदोगे तो फल मिलेगा, बीज लोगे तो फल मिलेगा, शेयर खरीदोगे तो पैसा मिलेगा। खरीद लो भाइयों खरीद लो, बीज डालो तो पौधा निकलेगा, शेयर खरीदो तो पैसा मिलेगा। खरीद लो भाइयों खरीद लो, जो खरीदेगा वो माला माल हो जाएगा। मेरी बात मानो, सब पैसा डाल दे। 10 लाख रुपया यार, खरीद ले यार, एक बार फिर से सोच ले, जो बोल रहा हूँ वो कर। ओके, 10 लाख के ट्रूटेक शेयर्स ले लीजिए। ओके, आर यू श्योर? या श्योर। ओके डन डन, हो गया ना, अब देखता रहे। हेलो हेलो अंकल, अब तक सैलरी नहीं आई है, आते ही आपको दे दूंगी। ठीक है रखता हूँ। ठीक है अंकल। सर अभी तक आपने घर का ईएमआई नहीं भरा? सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, बस 1 or 2 days में करता हूँ। ओके सर। ओके थैंक्स। क्या हुआ? सैलरी आई नहीं। सेम प्रॉब्लम। हेलो। हेलो सर, आपने पेमेंट देने में देर कर दी, अगर आपने कल तक ईएमआई नहीं भरी तो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे। हेलो। हाँ, अगर उधार लिया है तो समय पे ब्याज देना भी आना चाहिए, हम क्या तुम्हारे लिए कमाते हैं? चुपचाप ब्याज देकर अपनी इज्जत बचा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा, इतने डल क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। टीचर हूं बेटा, स्टूडेंट का चेहरा देखकर समझ जाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है, तो अपने बेटे के मन की बात नहीं जानूंगा? लोन की चिंता है ना, 2 महीने में रिटायर हो जाऊंगा और मेरा पीएफ आ जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा। अरे क्या हुआ बेटा, मैं आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूं।
चिंता मत करो। I'm really sorry. सुनो बेटा, ऊपर वाला दुख देता है तो सहने की हिम्मत भी देता है। जीत उसी की होती है जो परेशानियों से लड़ने की हिम्मत करता है, और मुझे पता है कि मेरा बेटा हिम्मत वाला है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। गुड लक। शेयर वैल्यू नीचे गिर गई है सर। सीएम सर, हाल तो बहुत बुरा है। मैंने इन्वेस्ट किए हुए 20% भी पैसे मैं रिकवर नहीं कर पाया। सर बहुत प्रेशर हो रहा है, आप ही कुछ रास्ता बताइए। नागराज जी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रेस मीटिंग बुलाइए और उसमें आप ये कह दीजिए कि आपसे गलती हो गई, फिर आराम से डीजीपी ऑफिस निकल जाइए, बाकी बातें मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। हर साल मुझे प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले, इसलिए मैं लॉस होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट में है ये बैलेंस शीट में दिखाता रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन और बुरी होती जा रही है। शेर की पूंछ पकड़ने जैसे मेरा हाल हो गया है। सॉरी एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, आवर कंपनी इज इन क्राइसिस। शिट। ट्रूटेक के मिस्टर नागराज के अचानक दिए स्टेटमेंट से शेयर मार्केट नीचे गिर गया है। शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को बड़ा झटका लग गया। मैं तो गया, पैसों के लिए मैंने बहुत ड्रामा किया, अब तो मेरी माँ का तलाक हो जाएगा। यही है वो जिसने शेयर खरीदने के लिए कहा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। यार, अरे तुमसे मैंने कहा था शेयर खरीदने के लिए? सॉरी सर, इसने टेंशन में गलत बोल दिया। अपने दोस्त को बात करने की तमीज सिखाओ। गलती हमारी तो उसमें क्यों गुस्सा हो रहा है तू? हमारी गलती कैसे बता? मैंने 5 डालने को बोला था, तूने 10 क्यों डाल दिया? मेरा दिमाग क्या घास खाने गया था क्या? तूने ही तो बोला था। क्या बे, अब तो तू ऐसा ही बोलेगा? पैसा मेरा है, बर्बाद मैं हुआ, तेरा क्या गया? मेरा पैसा तेरा पैसा, पागल हो गया क्या तू? तू पागल बोल रहा है मुझे? हट रवि। ए मुंह बंद कर। रवि calm down please। सारा पैसा चला गया, समझाया था उसको। क्या हुआ इसे? इसके हालत देखकर तो लग रहा है कि जो पैसे इसने इन्वेस्ट किए होंगे वो सारा का सारा पैसा नाले में बह गया। पागल हो गया है वो। सुनो, इधर आओ। क्या हुआ जी? उधर देखो जरा। इसकी हालत देखकर मुझे लगता है मेरी दूसरी शादी पक्की है। पेट कम करना पड़ेगा। पुलिस आ रही है। हमारे बच्चे फुटपाथ पर आ गए, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? डाउन डाउन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके हम ही पे लाठी चलाते हो, ये कहां का न्याय है? जंगल में लगी आग की तरह फैल गई है ट्रूटेक स्कैम। इस वजह से कंपनी बंद हो गई है और सारे एम्प्लॉयज सड़क पर आ गए हैं। कौन हो तुम लोग, ऐसे घर के अंदर घुसे आ रहे हो? होम लोन रिकवरी टीम। ओ सर प्लीज, हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए, हम किसी भी तरह लोन चुका देंगे। लोन भरने की औकात नहीं है तो लोन लेते क्यों तुम लोग? पैसे चुका देंगे ये सोच कर लिया था, अभी वक्त थोड़ा बुरा है, हम टाइम से पैसे भर नहीं पाए, आप अगर थोड़ी मोहलत और दें। ये बैंक का रूल सर, रूल्स भी तो हम ही लोग बनाते हैं। ये तो नहीं कह रहा कि लोन नहीं चुकाएंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, बोला ना। ए, घर को ताला मार कर सील कर दो, वरना ऐसे हमारी बात नहीं मानेंगे। रिकवरी डिपार्टमेंट से है, डोंट बदर। मिडिल क्लास के लोगों को जमीन पर देखना चाहिए, आसमान पर देखोगे तो यही हाल होगा। हाँ सर, मानता हूँ कि हम मिडिल क्लास वाले हैं, पर मिडिल क्लास को सपने देखने का हक नहीं है। हम अपनी इच्छाएं दबाकर नहीं जी सकते, हम लोग मिडिल क्लास है तो हमेशा मिडिल क्लास ही बनकर रहे। आप कुछ भी बोलो, रूल्स तो रूल्स होते हैं ना। बहुत रूल्स के बारे में बात कर रहे हो।
हमारे वोट से जीता हुआ नेता कोई बड़ा स्कैम करे तो प्रूफ करने के लिए टाइम की कमी नहीं होती। बेटा एक मिनट पापा, लेकिन हम जैसे वोटर अगर टाइम मांगे तो टाइम नहीं है कहते हो, ये कौन सा रूल है? इनसे क्या बात कर रहे हो, बाहर निकल इसको। क्या कर रहे हो? देखो पापा को क्या हो गया? क्या हुआ पापा? क्या हुआ आपको? सुनिए, क्या हुआ? अब रवि डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ आपको? उसका कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह लोगों को कचरा समझने वाले को सबके सामने एक बार तो नंगा करना चाहिए। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है यार, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? लाखों लोगों के नुकसान में हम भी एक है सोचकर छोड़ देंगे। बात तो समझदारी की है भाई। समझदारी की बात नहीं, यही सच है। सोसाइटी में उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। उसकी गलती की वजह से तेरा बाप मर गया ना, तो भी छोड़ देंगे। उसकी वजह से श्वेता की फैमिली को नुकसान हो जाए तो भी छोड़ देंगे। हमारा क्या है, आफ्टर ऑल हम तो तेरे फ्रेंड है, हमारे जैसे हजारों मिल जाएंगे तुझे, छोड़ देंगे। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? ये सच कह रहा है यार। अरे तू भी उसकी तरह पागलों की तरह बात कर रहा है क्या? हाँ, हम लोग तो पागल हो गए हैं। पूरा दिमाग तो तेरे पास है, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है ना। अबे चुप चेरी तो, तू तो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रहा है। हमारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं। सुनो, मैं उस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। अब फ्रॉड करने के बाद तुम्हें लगता है कि वो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, वो क्यों नहीं मिलेगा? इस तरह लोगों को धोखा दिए हर चोर डीजीपी ऑफिस में जाकर सरेंडर होंगे। सरेंडर होने के बाद अगर वहां पर उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो सीधे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद क्या बचता है? सब कुछ खत्म। हार्ट अटैक आते ही लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन ये जो कमीने होते हैं ना, ये अस्पताल में भी हनीमून मनाते हैं। उसकी वजह से श्वेता की फैमिली को नुकसान हो जाए तो भी छोड़ देंगे। हमारा क्या है, आफ्टर ऑल हम तो तेरे फ्रेंड है, हमारे जैसे हजारों मिल जाएंगे तुझे, छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। उसकी गलती की वजह से तेरा बाप मर गया ना, तो भी छोड़ देंगे। ऊपर वाला अगर परेशानी देता है तो उससे लड़ने की ताकत भी देता है। जीत उसी की होती है जो मुसीबतों का सामना हिम्मत से करता है। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। ट्रूटेक स्कैम में नया बोर्ड। कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नागराज कल डीजीपी के सामने सरेंडर करेंगे। इस केस में और कौन कौन से आरोपी शामिल हैं, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इस केस में और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इस बात का खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। मिस्टर नागराज ने आज सुबह ही डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करने ले जाया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश के पास चलते हैं। नागराज जी को अभी अभी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। हॉस्पिटल पहुंचने तक वो जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, कहना बहुत ही मुश्किल है। कैमरामैन आनंद के साथ मैं जगदीश, आईटीवी से। उसे किडनैप करेगी? डीजीपी ऑफिस से अस्पताल जाने के लिए उसे इसी रास्ते से जाना होगा, लेकिन उसे किडनैप कैसे करेंगे? ए, उस बाइक की तरफ देख, तुम्हारे डैडी जैसा दिखता है। अरे नालायक आवारा कहीं का, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। Yeah!
जल्दी जाकर देखो वहां पर क्या हो रहा है। जाओ जल्दी जाओ। ए, ए, चलो साइड हटो। कौन है तुम लोग? अबे तेरे दोस्त है। ढूंढा किसका? रवि जल्दी चल, डीजीपी हमारा पीछा कर रहा है। ए, कहां जा रहा है तू? ए, अपना मुंह बंद रख। केस में एक नया मोड़ आ गया है। ट्रूटेक के चेयरमैन मिस्टर नागराज को किडनैप कर लिया गया है। ये सब किसने किया और इस किडनैप के पीछे किन लोगों का हाथ है? पुलिस इस बात की छानबीन में लगी हुई है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। हमने जो करने को कहा वो नहीं कर पा रहे हैं तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। सॉरी सर। सॉरी सर। ये बताओ इस गाने का इस सिचुएशन से कोई संबंध है क्या? सर मार डालूंगा मैं तुम्हें। ये बताओ नागराज की तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग हुई थी या फिर सच में उसकी किडनैपिंग हुई है? सर मैंने आपका नमक खाया है लेकिन ये नहीं कर सकता। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता लेकिन जल्द से जल्द वो नागराज मेरे सामने होना चाहिए। यस सर। मुझे किडनैप करने से पहले मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल की। जानते हो मैं कौन हूं? मेरे और सीएम के नजदीक रिश्तों के बारे में पता है। किडनैप तो मुझे कर लिया, अब तुम लोगों का क्या हाल होगा? कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कुत्ते की मौत भी मारे जाए फिर भी तेरा किडनैप कर लिया। तू डरेगा और हम डरेंगे क्या समझा है? तेरा चमचा समझ रखा है क्या? जानता है हम कौन है? अबे श्रीनु ठीक से बोला। श्रीनु नाम है मेरा। सॉरी सर, वो क्या है ना, फिल्म देख देख कर इमोशन में बह गया सर। वो क्या है ना सर, ये हमारे फिल्म के हीरो हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है और ये बड़े बड़े रिस्क उठाकर हमें फंसा देते हैं और मरते हम हैं। तुम लोग हो कौन? बहुत से देशों से ऑफर आई थी फिर भी मैंने अपने देश की कंपनी समझकर ज्वाइन किया और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने से हम सड़क पर आ गए। उसका लुक देखो यार, तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो? और तेरा क्या है? सर आप मुझे गुस्से से मत देखो सर, आपके भरोसे पे मैंने अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखकर शेयर खरीद लिए थे सर। ए, मैंने कहा था अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए? मैंने कहा था कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए? मैंने बंदूक की नोक पर तुझसे शेयर्स खरीदवाए? एक बार अगर तेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई तो वो तेरी कंपनी कैसे हो गई? वो हमारी जायदाद है। लेकिन हमारी परमिशन के बगैर डिसीजन लेने वाला तू कौन होता है? अब तो तू फंस गया, तेरा तो बैंड बजा के रहूंगा। सुन श्रीनु, इसके साथ रुक, मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। अबे मैंने हीरो की तरह डायलॉग क्या बोला? तू तो मुझे हीरो ही समझ रहा है। अगर इसने रस्सी खोलकर कुछ कर दिया तो? ये फिल्म नहीं चल रही, जो ये यहाँ से भाग जाएगा। बस ज्यादा नाटक मत कर, तू चल चल। अरे भाई दो थाली देना। ट्रूटेक कंपनी के चेयरमैन नागराज का किडनैप। चेयरमैन के किडनैप के सिलसिले में पूरे शहर में छानबीन चल रही है। पूरे शहर को रेड अलर्ट कर दिया गया है, सारे चेक पोस्ट को सील कर दिया गया है। किडनैपर्स हर हाल में पकड़े जाएंगे। ए, उसको छोड़ देते हैं यार। यार तुझे ये सब खेल लग रहा है? पहले बोला था छोड़ दे फिर भी किडनैप करवाया। उसने हम तीनों को पहचान लिया है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो वाट लगा देगा अपनी। तो फिर उसको मार देंगे। अभी छोड़ देंगे बकरा था, अभी मारने की बात कर रहा है?
तू कभी नहीं सुधरेगा। जो हुआ सो हुआ, सब ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चल अभी। एक लम्हा मारू क्या? सर, आपको मारने से हमें क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए। मैंने अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रखकर लाया हूँ सर। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो मेरी माँ का तलाक हो जाएगा सर। मैं क्या रवीना या ऐश्वर्या हूँ जो आप मुझे ऐसे घूर रहे हैं? मैं सीरियस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो सर? खुजली हो रही है, कंधे पे खुजा। तुझे खुजाने के लिए किडनैप किया था क्या? तो मेरी रस्सी खोल दो, खुद खुजा लूंगा। अच्छा लग रहा है। कौन कहता है तुम्हें टैलेंट नहीं है? अगर तुम ये धंधा करोगे ना तो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा सकते हो। मुझ जैसे आदमी को 10 लाख रुपए के लिए किडनैप कर लिया तुम लोगों ने, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। बस अब इतनी औकात हो गई मेरी। ए, मर्दों वाला काम करो, मेरे जेब से चेकबुक निकालो और मुंह मांगी कीमत लिख दो। सच कह रहे हो सर? हाँ सच कह रहा हूं। पेन ले लूं सर, इफ यू डोंट माइंड। कितना लिखूं सर? जितने करोड़ चाहिए। रवि, सुशांत, श्वेता और मैं। ओके, 6-7 करोड़ लिख लूं सर? अब इतनी भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, 6 करोड़ लिखता हूं। ठीक है। किसके पास पड़ा है बेटू? इस्तेमाल करो और मेरी सहायता से जिंदगी में आगे बढ़ो। वर्मा मलिक, एक लेजेंडरी पर्सनालिटी सर, आपसे जरूर मिलाऊंगा सर, पर आपने ये सवाल क्यों किया? तू जैसे गधे को नौकरी दूंगा तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और हम रस्ते पे आ जाएंगे। क्या हुआ सर? उसमें 3 जीरो और ऐड कर। पर 0 को तो कोई वैल्यू नहीं होती ना सर? अगर नंबर के पहले है तो वैल्यू नहीं है, अगर उसके बाद है तो वैल्यू बढ़ जाती है। सर, यू आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटी सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर। सर, आपको कहाँ ड्रॉप करना है बताओ। अबे नहीं, रस्सी खोल दे, मैं खुद चला जाऊंगा। जरूर सर, आप बहुत अच्छे आदमी है। आई विल डू इट फॉर यू सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। ए श्रीनो, 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 ये कहां गया? श्रीनो, ए यार, वो किस तरफ गया होगा? श्रीनो, वहां देखते हैं। श्रीनो, 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 सारे रूम चेक कर ले। चला गया ये। अगर यहां नहीं हो तो बाहर देखना पड़ेगा। हे श्रीनु, तेरी तो नीचे उतर। अबे वो कहां चला गया? ए, अरे उसे इज्जत दो, बात को समझा कर। अरे यार, वो बहुत अच्छा इंसान है, हमने उसे क्यों किडनैप किया? वो अच्छा इंसान है, तुझे कैसे पता चला? उससे खुजली हो रही थी, उसने खुजाने को कहा, मैंने खुजाया, उसके बाद फिर से खुजली हुई। मैंने पूछा खुजाऊं, वो बोला नहीं मैं खुद खुजाऊंगा। कितना बड़ा इंसान है यार। ए, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उसकी बात छोड़ यार, ये देख 6 करोड़ का चेक, हर एक को 2-2 करोड़ मिलेंगे, पता भी है तुझे? हे, उसने बड़ा स्कैम किया है, बैंक ने उसका अकाउंट सीज कर दिया होगा, तो ये तुम्हारा चेक कहां से चलेगा? पैसे के लालच में बैंक में गया
तो लात मारकर अंदर करवा देंगे। उसने मेरा पैसा भी लूट लिया, अब क्या मुझे जेल में डालेगा वो? खैर, वो कहीं दूर नहीं गया होगा, चलो ढूंढते उसे। चलो रे। मैंने तुझे खुजाया ये विश्वास नहीं होता, और अब तू ही मुझे जेल में डालेगा? उस दिन हाथ बंधे थे इसलिए कुछ कर नहीं पाया, आज बताता हूं। ए! सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ? अबे क्या कबड्डी खेल रहा है? लड़ कबड्डी सर, पैर कांप रहे। उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है यार, और वैसे भी हम तीनों मुर्दा उठा रहे हैं तो किसी को भी डाउट होगा। गरम मसाला 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 गरम मसाला गरम मसाला एक्सक्यूज़ मी, आप थोड़ी मदद करेंगे? अंदा देना है क्या? मैं शराब पी के नहीं उठा सकता, इससे अच्छा तुम ही तीनों उठाओ। इस अर्थी को चार लोग चाहिए। चार लोग चाहिए? अर्थी उठाने के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं। चार लोग चाहिए तो तुम तीनों कैसे उठा रहे हो? तुम हो ना? मैं हूँ? एक दो तीन और मैं हूँ चार। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, मेरी जगह मुझे बताइए किधर है। अच्छा, ये साइड ऑटो भाई। अरे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम तीनों तो अभी भी जिंदे लग रहे हो, लेकिन ये जो ऊपर पड़ा है वो मुर्दा लग रहा है मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो ब्रदर, तुम लोगों का आपस में रिश्ता क्या है बताओ? ब्रदर ना? नहीं, मेरा मतलब जो मरा हुआ उसके साथ क्या रिश्ता है? जीजा, भतीजा। ये तो कंफ्यूजन है भाई, किसी का भतीजा और किसी का जीजा, तो मैं कैसे मानू क्या भाई? है यार, नाथ मुर्दा है इसीलिए इससे ऐसे ही रिश्ता जोड़ लिया। यू आर ग्रेट ब्रदर, मैं भी इस मुर्दे से अपना रिश्ता बना लेता हूँ। आज से मैं इस मुर्दे को अपना मामा बोलूंगा, ठीक है ना मामा? ए, सामने से डीजीपी आ रहा। कौन आ रहा है? चुप हो जा यार, टेंशन मत लेना। मैं टेंशन क्यों लूंगा? मामा स्वर्ग सिधार गया, मुझे इसी बात की टेंशन है। आई नीड ओनली दारू। टेंशन है तो तुम लोग भी एक एक मार लो। ये मुर्दे की बात नहीं कर रहा है। सामने से डीजीपी आ रहा है। दिस इज नो, ये बात नहीं है। अगर टेंशन थी तो सामने से नहीं पीछे से आना चाहिए था, सही कहा ना? सही कह रहे हो, पर चुप कर अभी। प्लीज आई वांट क्वार्टर। ये ले साले। सॉरी, ओनली 100? ओनली क्वार्टर? 1000 रुपए है यार, 10 क्वार्टर आ जाएंगे। व्हाट इज दिस? आई वांट स्मॉल नोट, बड़े नोट आजकल नहीं चलते। ओनली 100? ओनली क्वार्टर? चुप हो जाओ।
आप गाड़ी से उतरकर मुर्दे के साथ चार कदम चले, ये क्या था सर? सुबह से रात तक हम पाप ही करते रहते हैं। डेड बॉडी के साथ चलना पुण्य का काम है। सोचा चार कदम अर्थी के साथ चलूंगा तो शायद पाप कुछ कम हो जाए। चलो। बाप रे, थोड़ा रिलीफ मिला। क्या बोल रहे हैं? यहाँ कंधे में दर्द हो रहा है, तुम बोल रहे हो रिलीफ मिल गया? तेरी तो। ए, गाड़ी रोको। शमशान घाट इस तरफ है तो वो लोग उधर क्यों गए? पता नहीं सर। Something is wrong. Turn. इस्तेमाल करो और मेरी सहायता से जिंदगी में आगे बढ़ो। सुनो, वर्मा मालिक का समर कैंप यहीं कहीं पर है, वहां जाकर उसका घर यूज करो। सर सुनो, यहां से कोई अर्थी लेकर गए हैं क्या? सर किस तरफ गए? इस तरफ गए। अरे यही तो था, यही तो था। मेरा मामा कहाँ छोड़ के चला गया मुझे? मेरा मामा कहाँ गया? मामा 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 सारा नशा उधर। बाकी लोग कहाँ गए? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, कहाँ चले गए वो लोग? बेवड़ा रूल के अनुसार उसी को जवाब देता हो जिसने पिया हो, बाकी किसी को नहीं। जा, जा। सर डीजीपी हैं। अगर इन्होंने डीजीपी है तो मेरे जैसी भी है। ए, नाटक मत कर, चुपचाप बताओ लोग कहाँ गए। फिर से सवाल। दारू खत्म हो गई है लेकिन पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। इधर आओ। ओनली 100 रुपीज, ओनली क्वार्टर, सब याद आ जाएगा। फिर से बड़ी नोट। उन्होंने भी गलती की, तुम भी कर रहे हो। ओनली 100 रुपीज, ओनली क्वार्टर, 100 रुपए दे दो। अरे सुना नहीं तुमने? सर ने क्या कहा? चल अब सच बता। अब तो बता नहीं पड़ेगा। बोले तुम लोग हो या मैं? असल में वो तीनों भाई भगवान के दिए हुए अनमोल हीरे हैं। अब उनके जाने के बाद क्या कर रहे हो? अब अगर उन्हें पकड़ना है तो खुद उनके पीछे जाके पकड़ लो सर। नशा खत्म होती है मैं वही आता हूँ। जीजा जी। हाँ। कम से कम इस बार तो सही पार्टनर सेट कर दो। साले यहाँ पूरे घर में आग लगी हुई है और तू सिगरेट पीने के लिए मुझसे माचिस मांग रहा है। इस वक्त तुझे पार्टनर की सूझ रही है? पहले पता करके उसे पकड़ के यहाँ लाओ, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। सर क्यों, कोई गेस्ट आया हुआ है क्या, या फिर कोई प्रेस वाला आया हुआ है? सर। अरे बाप रे, क्या हुआ सर? मुझे अस्पताल लेकर चलो। सर सर ओनली वन क्वेश्चन सर, प्लीज आपको जवाब देना होगा सर, जनता जानना चाहती है सर, बताइए, बोलिए सर। उस नागराज से मेरा क्या संबंध है, यही मुझसे पूछने आए हो ना? सर हम आपके बारे में सब जानते हैं, आप पहले हॉस्पिटल जाइए। आप दोनों के बीच में क्या संबंध है बताइए सर। भले ही मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, पर मैं खुद को निर्दोष साबित करने के बाद ही अस्पताल जाऊंगा। ए, तू चुप कर, अपोजिशन पार्टी का रिपोर्टरों के ज्यादा उड़ मत। सर हम सब संभाल लेंगे, आप हॉस्पिटल जाइए प्लीज। यहाँ राजनीति का राज सर है, सिर्फ प्रसाद लेकर मत घूमना, समझ गए? नमस्कार नारायण राव जी, मुझे भूल गए क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर, हम घर में चलकर बात करते हैं प्लीज। मैं तुम्हारे पास इज्जत मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पैसे कब वापस मिलेंगे मुझे ये बताओ पहले। सर आप प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए, आसपास लोग देख रहे हैं। ये उधार लेते वक्त सोचना चाहिए था आपको, मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है जो मैं खैरात बांटते फिरूं। मैं खैरात नहीं मांग रहा हूँ सर, बस थोड़ी तकलीफ में हूँ तो थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। तुमसे अच्छा तो भिखार ही होता है, वो इंतजार करता है कि कब हमारा खाना खत्म हो और उसे झूठन खाने के लिए मिल जाए, और तुम उससे टाइम मांग रहे हो, मुझसे इंतजार करवा रहे हो। छी, अगली 1 तारीख को अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर में से किसको उठाकर ले जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। थो, चलो रे। इस स्कैम की वजह से एक और आत्महत्या। तो इस कंपनी में काम करने वाली श्वेता नाम की एम्प्लॉय ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें लिखा है, मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे थे, उन्होंने बिना सोचे समझे कई बिजनेस किए जिसमें उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। बिजनेस में नुकसान की वजह से उनके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया था, और तभी मुझे ट्रूटेक में जॉब मिल गई। मेरे घर की कंडीशन ठीक हो ही रही थी, हमारे कंपनी के सीईओ भगवान की तरह थे, मुझे जो सैलरी मिलती थी उससे इंटरेस्ट भी चुक जाता और घर खर्च भी चल जाता था। हम खुश थे,
मेरे पापा की तरह उस कंपनी के चेयरमैन को पता नहीं क्या तकलीफ हुई, वो लॉस में चले गए। कंपनी के लॉस की वजह से हम सबकी जॉब भी चली गई। अब कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या करने के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, तो किस बात का है कि मरने से पहले अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाए। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी। दोबारा जन्म लूंगी तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम लोगों को ही मेरा दोस्त बनाए। उसने मरते वक्त भी अपने पिता से तुझे कंपेयर किया। ऐसी लड़की को तबाह करने के लिए तेरा मन कैसे माना? हे श्रीनु, तू यहीं पर रुक। सुशांत, सुशांत, चलो चलते हैं। श्वेता बहुत अच्छी लड़की थी, तेरी वजह से मर गई। हमारी और कोई दोस्त नहीं है। तू मेरे दोस्त को वापस कर, तूने मार दिया उसे, हमारी श्वेता को मार दिया। तेरे भरोसे पे उसने तेरी कंपनी को ज्वाइन किया और तुमने श्वेता को मार दिया। अब बोलो जो कहना है, मैं सब सुनूंगा। जो बोलना है बोल, मुझे बस मेरी दोस्त वापस चाहिए। चल बोल। देखो साले जी। जीजा जी, हम जैसे नेताओं को सुकून की जिंदगी हॉस्पिटल के सिवा कहीं और नहीं मिल सकती। हाँ जीजा जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपके हाथ में क्या है? प्रसाद लाया हूँ, लेंगे क्या? क्या है भाई, हमेशा प्रसाद लेकर बांटते फिरते हो? मौका मिलता ही जहर मिलाकर खिलाने का इरादा है? इतनी हिम्मत मुझमें कहाँ है? हिम्मत आते ही डाल देगा क्या? बेवकूफ। लीजिए सर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। टीवी ऑन करो। हाँ सर। इस कंपनी के बंद होने से 4 लोग और मरे। इस स्कैम में बहुत सी जानें चली गई हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे नेताओं का हाथ हो सकता है, लेकिन हम सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। और आपको क्यों घनचक्कर खबर देते रहेंगे? थोड़ा सा प्रसाद खिलाया तब तो ये हाल है, अगर पूरा प्रसाद खा लेता तो क्या हाल होता? गुड मॉर्निंग सर। अब कहाँ है गुड मॉर्निंग, इसका प्रसाद खाते ही सारा मॉर्निंग बैड हो गया। ये क्या बज रहा है भाई? प्यार करना है कि नहीं करना है, या खुल्लम खुल्ला करना है? जो करना है बाहर जाकर करो। मैं नागराज बोल रहा हूँ, सीएम सबको फोन दे रहा। सर मीटिंग में है सर, आप लाइन पर बने रहिए। सर वो नागराज जहाँ कहीं भी मिले उसे वहीं खत्म कर दो। यस सर। किडनैपर के दबाव में अगर उसे सच बोल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, समझे? नागराज जी का फोन है सर। ये कहाँ से लाइन पर आ गया? अभी तक उसे तुमने होल्ड पर रखा था क्या? आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरी किस्मत ही फूटी है। हेलो, उसने कॉल कट कर दिया भाई। अरे फिर से वही खुल्लम खुल्ला, रिंग टोन बदल दे नहीं तो तेरा हुलिया बदल दूंगा। डीजीपी बाबू, आप ये नंबर ट्रेस कीजिए और उसे ढूंढकर मेरे सामने लाइए। यस सर। हमें पहले यहां से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने इस लैंडलाइन से सीएम को फोन किया था, नंबर ट्रेस करके वो यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। Thank you.
उसे हमने किडनैप किया है ये बात किसी को बतानी है, टेंशन मत लेना। सन्ना भाई साहब। हाँ बोलिए सर। ये फ्लैट किसका है? ये फ्लैट वर्मा मलिक का है सर। वो अंदर होंगे क्या? फिलहाल तो वो नहीं है सर। आप उन्हें पहचानते? पहचानता तो हूँ। इन्हें लेकर चलो। अगर चाहता तो भाग सकता था, लेकिन हिसाब खत्म करके ही जाऊंगा। हे, हम इस तरह यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर सर, मुझे अर्जेंटली डीजीपी साहब से मिलना है सर। एक अच्छे काम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर। प्लीज सर। सर, यह है वर्मा मलिक। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू सर। किडनैपर वाले केस में आपने जो काम किया उसके लिए हैट्स ऑफ सर। उसके लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। श्योर सर। आपके पड़ोसी के कहने के अनुसार हमने एक स्केच बनाया है, देखकर बताइए कि आप उसे पहचानते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं सर। अशोक चिन्ह के तीन शेर में एक न्याय का है, एक इंसाफ का, एक धर्म का, और चौथा वो शेर आप है सर। सच्चाई का साथ निभाने के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ सर। ठीक है, चलिए। सर, आपका स्टाइल बिल्कुल सिंघम की तरह है। चलिए। यस सर। सर 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 सर, एक तस्वीर बनवा लीजिए सर। ओनली 100 रुपीज सर। 100 रुपीज के ऊपर बात करूं? 10 रुपए का आईना खरीद के रोज देखूंगा तो 100 रुपए मेरे बच जाएंगे। आईना टूट जाता है सर, लेकिन तस्वीर नहीं टूटती। सर, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको हूबहू असली बनाकर दूंगा सर। तस्वीर असली हो जाएगी तो मैं नकली हो जाऊंगा। जो कैसा है, हंसी नहीं आई? नहीं आई सर। एक तस्वीर बनवा लीजिए, फिर दिल खोलकर हंसी आ जाएगी। मैंने नहीं बोला ना, चल जा। सर, इज्जत से पूछ रहा हूँ, तस्वीर बनवा रहे हैं या नहीं? नहीं मतलब नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तस्वीर बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? धमकी दे रहा है तू? वही समझ लीजिए सर, मेरा इस्तेमाल कीजिए सर, मेरे टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए सर। यही तो मैं चाहता था, अच्छे से बनाना। थैंक यू सर। बैठिए सर। हाँ। टांग पे टांग चढ़ाइए, उंगली ऐसे रखिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। बैठे रहिए सर। थोड़ा स्माइल 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 स्माइल। क्या हुआ? वाह, कमाल है सर। आइए सर, देखिए। ये क्या है? तस्वीर है सर। किसकी? उसकी सर। उसकी मतलब? पवन कल्याण। बेकार में मेरा टाइम वेस्ट किया, बेवकूफ। आंखों के सामने उसकी तस्वीर हो तो इसकी कैसे बनाऊंगा? सॉरी सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है, ये यूनिफॉर्म सरकार ने दी है या फिर चोर बाजार से लाकर पहनी है आपने? ये क्या बोल रहे हो? राष्ट्रभाषा हिंदी समझ में नहीं आ रही क्या? कैसे समझ में आएगा, आपका दिमाग यहाँ नहीं, घुटने में है। बात को घुटने से दिमाग तक पहुँचने में समय लगता है। सर, आप क्यों घूम रहे हैं? अरे रुक जाइए ना, क्यों घूम रहे हैं? रुकना तो तुझे, सर को नहीं। सर, इसने पिछली बार मेरी जगह पवन कल्याण की फोटो बनाई थी, अब की बार रजनीकांत की बना देगा। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए सर, ऐसे कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे आप? मेरा पूरा टाइम खराब कर दिया आपने। कौन है ये? स्केच बना दिया? कोशिश तो की है सर, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। सुनिए, अब आप यहाँ से जाइए, इस बार सही नहीं बना होगा तो जेल में डलवा दूंगा। खड़े क्या हो, ठीक से बनवाओ इससे। सर, वर्मा मलिक ने सही कहा था, इसका दिमाग घुटने में है। इस्तेमाल करने के लिए बोला उसने। लगता तो ऐसा है जैसे वो आसपास ही कहीं है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे पापा की तरह हमारी कंपनी के चेयरमैन को पता नहीं क्या हुआ। सारा डर दिल से निकालकर मुझ पर भरोसा रखो, वो जहां भी मिले उसे वहीं मार दो। मेरी और मेरी कंपनी की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास एक प्लान है, उसके बाद किसी को नुकसान नहीं होगा। ए, पहले उस नागराज के पीए को पकड़ कर लाओ,
उसके पास जो भी एविडेंस और डॉक्यूमेंट है उसे ले लो। पूरा शहर छान मारूंगा लेकिन उसे पकड़ के रहूंगा। मुझे नहीं पता। हमारे साथ गेम खेलता है? बता, बता, बता एविडेंस कहाँ है? मुझे नहीं पता। सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जल्दी बताओ। बताता, बताता। बताना? बताता हूँ मैं। बताता, बताता। और दे, चला। रोड नंबर 45 के पास मेरा गेस्ट हाउस है। उसके हॉल से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। ऊपर राइट साइड वाले रूम में जो विंडो एसी है उसी में सारे सबूत हैं। अरे जल्दी करो, निकालो उसे, जल्दी कर। वो लोग आ गए, चलो भागो, चलो निकलो। जीजा जी, वो हमें मिल गया है। हाँ, सबूत भी लेकर आ रहा हूँ। लव यू साला बाबू, उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है जीजा जी। शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी तो स्वागत कैसे मनाएंगे? ये तो क्या बकरा है रे? कुछ नहीं सर। कौन हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी। जाओ पकड़ो ने। चल ना भाई, चल चल। ए, डीजीपी बाबू। तिल चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। बंद कर, बहुत हुआ स्टूपिड फेलो। जीजा जी, क्या हुआ? नागराज को किडनैप करने वाले तीन लड़के हैं। लड़के? और उन तीनों के पास ही सबूत है। पिए बाबू, सर इधर आइए। सॉरी सर। मैंने? सर आपने जोरदार लाफा मारा तो मुझे एक आइडिया आ गया सर। वो लोग जब रोड पर भाग रहे होंगे तो सीसीटीवी कैमरा में उनकी शक्ल तो दिख जाएगी ना सर। जूते पड़ने के बाद ही तेरा दिमाग काम करता है। डीजीपी बाबू। सर कौन है आप पता कीजिए। ऊपर से नीचे तक सब मुझे टेंशन ही दे रहे हैं। यस सर। इसे फ्रीज करो, जूम करो, जूम। नागराज किडनैप केस में एक नया खुलासा। मिस्टर नागराज का किडनैप तीन लड़कों ने किया था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी बात मानिए प्लीज, मेरी बात मानिए, वो ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। सर मुझे क्यों मार रहे हैं सर? इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। सर सर ये क्या है सर? और सर मैंने क्या किया है सर? सर धक्का क्यों मार रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बेटा किडनैपर है, इसलिए उसके सरेंडर होने तक तुम्हें कस्टडी में रहना पड़ेगा। मेरा बेटा सरेंडर कर देगा सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। भाई साहब ये लाइव हो रहा है, मैं अपनी बात अपने बेटे तक पहुँचाना चाहता हूँ। बोलिए सर। अरे बेटा पुलिस स्टेशन जाकर प्लीज सरेंडर कर दे, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मेरी जान चली जाए तो भी मैं तेरी हिफाजत करूंगा बेटा। हमसे नाराज होकर तूने ये सब क्यों किया? अरे तेरे लिए मैंने 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। कोई भी बाप अपने बेटे को उसकी गलती पर डांटता ही है, उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेइज्जती कोई और न करे इसके लिए उसे डांटता है। सरेंडर कर दे बेटा प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सरेंडर कर दे बेटा। मेरे पिताजी को मैंने गलत समझ लिया, उन्हें कुत्ते की श्रेणी में ला के रख दिया था, और जरा देख तो उनको मेरी कितनी फिक्र है। सिर्फ एक बार उनके पैर पकड़ के क्षमा मांगूंगा, यही चाहता हूं मैं।
बहुत गलत किया मैंने। सर देखिए कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है, मुझे मार क्यों रहे हैं? अब इसमें क्या कमी हो गई? इससे पहले वाली तस्वीर दिखाओ। ये अब जाकर उस वर्मा मलिक को बुला के लाओ। सर सही तस्वीर बनाने पर मेरी धुलाई हो सकती है तो झूठ बोलने वाले उस वर्मा मलिक की भी धुलाई होनी चाहिए। अब सर मैंने तो समझदारी वाली बात की थी, आपने दिमाग की जगह बात दिल पे ले ली। क्यों रे, अगर हमारा दिमाग घुटने में है तो तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? सर मुझे मारा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा कि आपके हजार टुकड़े हो जाएं। अच्छा तू बहुत बड़ा साधु सन्यासी है जो हमें श्राप दे देगा। बस करो सर, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? सर 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 ये तो बिना मार खाए घूमने लगा। ए हेलो सर, आपको सीएम साहब से तुरंत बुलाया। मैं अभी आता हूँ सर। सभी चले गए, रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दीजिए सर, एक आखिरी मौका, अच्छी तस्वीर बनाओ। मैं छोड़ता हूँ, माफ कर दे मुझे। उन लड़कों को वहाँ पर भेजकर वो सब यहाँ ले आओ, मेरे बारे में जितने भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो सब उसके पास हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए तो हमारा देश और विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मैं आपको सस्ती जमीन दिलवाऊंगा और मेरे साले के साथ मिलकर आप काम कीजिए। अगर उस कमीने ने उस वीडियो को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया ना, तब मेरी जिंदगी खत्म। अगर हम सारे सबूत सोशल नेटवर्क पर अपलोड करते हैं तो इसका खेल खत्म। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, पर ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं होना चाहिए। सबूत ना मिलने तक इस सिटी के सारे नेटवर्क ऑफ होने चाहिए। जल्द से जल्द उन लड़कों को पकड़कर अंदर डालिए। ये सब सीएम का काम है। इसमें मुझसे रिलेटेड एविडेंस हैं। इन तीन पेन ड्राइव्स में तुम गवर्नर हाउस जाना, तुम मीडिया के पास जाना और तुम कोर्ट में जाना। मैं भी श्रेया के साथ किसी तरह कोर्ट पहुंच जाऊंगा। एक बात का ध्यान रहे, तुम तीनों को पूरा स्टेट जानता है। एक तरफ पुलिस होगी और दूसरी तरफ होंगे वो सीएम के आदमी। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, सो प्लीज टेक केयर। ओके सर, चलो चलते हैं। रवि, ऑल द बेस्ट। उसने मुझे देख लिया। वो देखो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। ठीक, चलो चल चल चल। ए रुक, चल चलो चल। और तू वहां जा, देख वो लोग यहीं पर है, कुछ करना पड़ेगा, देख लेंगे। क्या करें? ये पुलिस आ गई है। Yeah.
वो देख वो रहे सुनो, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, हम शेयर होल्डर्स का भला करके ही जाएंगे। कम ऑन, चलो ये लोग आ गए, भागो, वो रहे। कम ऑन, रवि, पकड़ो। रवि तू भाग जा, भाग रवि। तू मेरे सामने बच्चा है बेटा, हमसे पंगा लेगा? चल उठ, उठ। हे, वो तेरे बाप की तरह बात कर रहा है। सुनो शशांक, ये क्या कर रहे हो बेटा, क्यों कर रहे हो ये सब? मेरी जिंदगी तुमसे ही है बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। तू मेरी जान से बढ़कर है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे बेटा। आपके प्यार को मैं समझ नहीं पाया पिताजी, माफ करना पिताजी, प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ करो पिताजी। चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, हम शेयर होल्डर्स का भला करके ही जाएंगे। नागराज आखिर किस बिल में जा छुपा है भाई? पुलिस डिपार्टमेंट ने आखिर क्या काम किया है? तुम जनता को आखिर क्या जवाब दोगे? ट्रूटेक कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नागराज को जिन 3 लड़कों ने किडनैप किया है उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसको हमने किडनैप किया था सर।
किडनैप क्यों किया था? हमें ये करने की जरूरत पड़ी सर। उसे भगवान समझकर धोखा खाए हर मिडिल क्लास परिवार की तरफ से मैं बोल रहा हूं सर। 5 करोड़ से शुरू किए उस कंपनी को 40 करोड़ की कंपनी बनाकर हमने उस कंपनी को खड़ा किया था सर। पर उन्होंने क्या किया? अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया था सर। सिर्फ उतना ही नहीं सर, बहुत सारे लोग बड़े बन सकते थे लेकिन बड़ा बनने से पहले ही वो बीच में ही मर गए सर। एक पीढ़ी के लिए कमाए तो उसके बच्चों के लिए, 2 पीढ़ियों के लिए कमाए तो उसके पोता पोती के लिए काफी होता है, पर ये तो 30 पीढ़ियों के लिए कमाना चाहते थे। वो 30वीं पीढ़ी इन्हें कैसे पहचानती सर? ना पहचानने वालों के लिए, कमाने के लिए ये हमें सड़क पर ले आए। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का क्या गुनाह है बताइए सर? उन लोगों को सजा मिले तो बेल मिल जाती है लेकिन हम लोगों को सजा मिले तो लाइफ बर्बाद। और इसीलिए सर हमारी श्वेता जैसे न जाने कितने परिवार तबाह हो गए हैं। कौन कहता है कि हम आजाद हो गए हैं? मेरी नजर में तो एक बच्चा जो स्कूल में जाता है उसे चॉकलेट मिलता है और मौज मस्ती के लिए हॉलीडेज भी मिलते हैं और यही देखकर हम खुश होते हैं कि चलो आजादी मिल गई, आजादी मिल गई हमें। ये कैसा स्वातंत्र है सर? पहले हम अंग्रेजों के बनाए कानून के गुलाम थे और आज हम अपने बनाए कानून के। पहले इंसानियत का कानून लाएंगे तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करेगा। तो सही शब्दों में हमें हमारी आजादी मिल जाएगी सर। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पेपर में छपेगा आजादी का समारोह मनाया गया, पर हम कभी आजाद नहीं होंगे सर। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है ऑनर। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है सर। इस देश में मुझ जैसे सिर्फ 100 लोग होंगे। देश की आबादी के मुकाबले ये बहुत कम है लेकिन आप जानते हैं हमें किस बात का गुरूर है, हम किस बात का घमंड करते हैं। पूरी दुनिया का ठेका हमें लगता है कि हम ही ने लेके रखा है। पैसे के जोर से हम जो चाहे कर सकते हैं। हम भूल गए कि लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और ऐसे ही हुआ सर। इन बेरोजगारों ने मुझे किडनैप किया एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे असलियत का पता चला और मेरी आंखें खुली और मुझे समझ में आया। कहने के लिए हम 100 लोग हैं लेकिन हमारे पीछे 100 करोड़ खड़े हैं और उन्हीं की वजह से हम इस मुकाम पर हैं। इन लोगों को मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूं कितना गलत है। मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए। मेरे स्कैम से संबंधित सारे सबूत इनके पास मौजूद पेन ड्राइव में हैं। सारे गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नागराज और बाकी अपराधियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और इन 3 लड़कों को उनके मामूली से अपराध के लिए यह अदालत 3 महीने की सजा सुनाती है। क्या हुआ डीजीपी बाबू, अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाए? You are under arrest. पकड़ खींच के पकड़। ये रिंग तो मैंने रखी है।